स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा को स्टडी करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लाज्मा को हम कॉमनली कह रहे होते हैं कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आ जाती है। ठीक है, यानी कि मैटर की जो हमने कॉमन स्टेट्स पढ़ी हुई है अब तक, वो कौन कौन सी पढ़ी है? वो हमने पढ़ी है, एक पढ़ी है हमने सॉलिड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि सॉलिड्स होती है एक स्टेट, फिर हम कहते हैं, या चलें सिर्फ सॉलिड लिख देते हैं, देन हम कहते हैं कि एक हमारे पास स्टेट होती है जिसको हम कह रहे होते हैं क्या, लिक्विड कह रहे होते हैं, और इसके अलावा एक और स्टेट कौन सी पढ़ी है, गैस, एक हमारे पास स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस की तीन स्टेट्स आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अब हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक और स्टेट आ जाती है जिसको हम कह रहे हैं प्लाज्मा। तो अब यहां पर हम स्टडी करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर क्लोजली पैक्ड है हमारे पास। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं, वो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, जो यूनिट हम कहेंगे इसके अंदर जो यूनिट्स हैं इसके, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, उसके बाद हम यहां से देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने यहां से हीट किया, इस सॉलिड को हमने क्या किया, हीट किया, और फिर हमारे पास क्या चीज बन गई, यहां पर हम लिक्विड में देखते हैं कि यही जो यूनिट्स थे ये क्या हो जाते हैं, या जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़े से इनमें जो है वो स्पेसिंग आ जाती है। ठीक है, इनमें थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई। ठीक है, इस तरह से उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इनको मजीद हीट किया। ठीक है, यही जो यूनिट्स थे इनको हमने क्या किया, मोर हीट किया। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे मोर हीट, अब यानी कि मजीद हीट प्रोवाइड करें, और भी ज्यादा टेम्परेचर हमने हाई कर दिए। तो हम देखते हैं कि गैसेस के केस में हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ मेंशन करेंगे कि जो ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं, ये जिनको हम चले मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, वो हमारे पास उनमें स्पेसिंग जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गैसेस में आ जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसको इवन मोर हीटिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, इवन मोर हीटिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं, और ये कितनी हीट होती है, ये हम देखते हैं कि 10 of 1000s, यानी कि 10,000s में जो है वो, टेंस ऑफ थाउजेंड्स में हमारे पास जो है वो डिग्री सेल्सियस भी हम साथ लिखेंगे कि टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या यूनिट्स हैं गैस के, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, है ना, तो हम देखते हैं कि ये क्या कर जाते हैं, ये हमारे पास जो ज्यादा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे, यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि ये सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर जाते हैं, किसमें, एटम्स में डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम्स आते हैं, और ये जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं ना, इनमें से भी जो मोस्ट ऑफ दीज एटम्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज एटम्स जो है वो क्या कर जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और पॉजिटिव आइंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक हमारे पास जो है वो एक डिफरेंट चीज बन गई कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, यहाँ पे छोटा सा हम लिखेंगे डिसोसिएट। ठीक है, ये सारे के सारे, इनको इतना ज्यादा हमने हीट प्रोवाइड की ना, कि कभी कभी तो ये होता है कि इसके जो है वो टोटली हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आ जाते हैं। ठीक है, और ये एक जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो प्लाज्मा होता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देख रहे होते हैं कि जो ज्यादातर एटम्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में चले जाते हैं, और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं उसी गैस के। ठीक है, जिस गैस की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये वाला जो पार्ट आ जाता है ना, ये यानी कि ये जो न्यूट्रल एटम्स भी आ गए, और यानी कि कोई अब मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, सारे डिसोसिएट होकर एटम्स बना रहे, और मोस्ट ऑफ द एटम्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में आ रहे हैं। तो ये वाले जो पूरी पार्ट आ जाता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, स्टेट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा आ गई, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं, और पॉजिटिव उसी उन्हीं एटम्स के जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, ज्यादातर यानी एटम्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो एक मिक्सचर सा बना है ना, ये हमारे पास बेसिकली प्लाज्मा की स्टेट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहां पर ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर गैस की एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस की बात की जाए, यहाँ पर मैं लिखूंगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें, और इसको इसकी जब प्लाज्मा स्टेट बनेगी ना, हम कह रहे हैं ना टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो हाइड्रोजन गैस के केस में हमें जो है कितना प्रोवाइड करना पड़ रहा होता है टेम्परेचर, हम देखते हैं कि 100,000, ठीक है, 100,000 तक जो है वो डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इसका क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। ठीक है, इस गैस की, यानी हाइड्रोजन गैस की जो है प्लाज्मा स्टेट बन जाती है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस, यानी कि प्लाज्मा कहाँ एग्जिस्ट कर रही होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सरप्राइजिंगली जो प्लाज्मा स्टेट है ना हमारे पास, ये क्या होती है कि ये जो है वो मोस्ट ऑर्डिनरी या मोस्ट कॉमन हम कह सकते हैं कि स्टेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, मोस्ट कॉमन। अब हम तो इसका इतना ज्यादा नाम नहीं सुनते, ठीक है, हम प्लाज्मा के बारे में इतना नहीं पढ़ रहे होते, हम तो सॉलिड लिक्विड गैस को ज्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन स्टेट जो आ जाती है पूरी यूनिवर्स में हम देखें तो वो प्लाज्मा स्टेट होती है। हमारे पास अगर हम देखें तो स्टार्स में, स्टार्स होती है वो हॉट गैसेस से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जो स्टार्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हॉट गैसेस से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और वो जो हॉट गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि हमारे पास बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ये प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा स्टेट होती है। और इसी तरह जो स्टार्स की हमने बात की तो सन भी हमारे पास एक स्टार होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास हॉट गैसेस से बने होते हैं और वो हॉट गैसेस यानी इतनी ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो गैसेस की फॉर्म में नहीं, बेसिकली वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनके बाहर नियॉन लाइट्स होती हैं, या हम कहते हैं कि ग्लोइंग लाइट्स से जो है लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट ओपन है तो उनका बाहर एक साइन लगा हुआ होगा जिसपे लिखा हुआ होगा ओपन, ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई जिसकी, तो देखें ये क्या होता है, ये जो लाइट जो ग्लो कर रही है बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर इन ट्यूब्स में उन्होंने गैस फिल की हुई होती है, ठीक है, और वो जो गैस होती है उसको जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसके न्यूट्रल एटम्स, ठीक है, यानी कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ है न्यूट्रल एटम्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो कन्वर्ट हुई होती है और वो ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये आ रही है, ये नियॉन लाइट्स इनको कहते हैं, या हम इनको नियॉन साइंस बेसिकली कहते हैं, इनको कॉमनली हम क्या कह रहे होते हैं, नियॉन साइंस हम यहाँ पर लिखेंगे, नियॉन साइंस, ठीक है, या हम इनको जो है वो कहते हैं कि ये ग्लोइंग लाइट्स भी आ जाती है। ठीक है, ग्लोइंग लाइट्स। इसी तरह हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमारे पास जो अर्थ के एटमोस्फेयर में ना डिफरेंट हाइट पे स्काई में यानी कि आसमान पे हमें ग्लोइंग लाइट्स नजर आती हैं। ठीक है, उनको हम नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं, कॉमनली उनको नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट्स कहते हैं, अदरवाइज उनको ऑरोराज कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑरोरास भी आ जाते हैं और ये देखिए जिस तरह से ये ग्लोइंग लाइट से ये वाकई में होता है, इस तरह से पूरे स्काई पे ना हमें इस तरह से कलर्स नजर आते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं ऑरोरा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑरोरा आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स भी होती हैं, नॉर्थ पोल पे नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, साउथ पोल वाली साइड पे साउदर्न लाइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं। इनमें भी क्या होता है, ये प्लाज्मा स्टेट होती है बेसिकली, यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस कर ले, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास कौन कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, इनकी जो है हम देखते हैं कि एक्साइटेशन हो जाती है, या ये जो है हाई टेम्परेचर की वजह से, या हम कहते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ये हाइट्स बहुत ज्यादा हाइट्स पे हम देखते हैं कि क्या होते हैं इनके साथ, कि ये जो है वो आयोनाइज हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो है मॉलिक्यूल्स इनके जो है वो डिसोसिएट होकर एटम्स बनाते हैं और एटम्स आगे जो है वो फर्दर क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव आइंस। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि हमें लाइट्स नजर आती है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट या एक्साइट होते हैं तो हमें लाइट्स नजर आती हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्लाज्मा लैंप्स भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा ग्लोब्स या प्लाज्मा लैंप्स आ जाते हैं। ठीक है, अब वो जो है वो डेकोरेशन पीसेस के तौर पर यूज होते हैं, यानी प्लाज्मा लैंप्स जो होते हैं वो डेकोरेशन पीसेस के तौर पर यूज होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्लाज्मा ग्लोब को देखेंगे कि वो किस तरह का होता है, या प्लाज्मा लैंप जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें होता क्या है कि ये बीच में इलेक्ट्रोड हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये बीच में इलेक्ट्रोड है और ये हमने यहाँ से बिजली की तार जो है ये जा रही है, ये हमने बिजली जो है वो करंट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड जो इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इस ग्लोब के अंदर जो है ना बेसिकली हमने एक गैस जो है वो फिल की हुई होती है। अब ये गैस है ये इस इलेक्ट्रोड से जो वोल्टेज होगा वो बहुत ढेर सारा प्रोवाइड होगा, तो ये गैस जो है हम देखते हैं क्या होती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी वजह से प्लाज्मा में पता है क्या है, न्यूट्रल एटम्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल होती है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन एक्साइटेशन होती है तो ये कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा लैंप्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये बीच में ये इलेक्ट्रोड लगा होता है, इससे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो हाई टेम्परेचर होता है तो वो गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे आप, प्लाज्मा टीवी का हमने नाम सुना हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा टीवी में भी बेसिकली क्या हो यूज हो रही होती है, प्लाज्मा की एप्लीकेशन जो है वो यूज हो रही होती है, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा यूज हो रहा होता है, ये हमारे पास प्लाज्मा टीवी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमारे पास क्या एप्लीकेशन आ गई, कि हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा टीवीज भी होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा टीवी, ठीक है, टीवीज ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर एक और चीज भी हम देखेंगे, हमने यहाँ नियॉन साइंस की बात की थी। अच्छा, सिर्फ नियॉन साइंस नहीं होते, बल्कि डिफरेंट हमने कहा ग्लोइंग लाइट्स होती हैं। तो ये जो लाइट्स होती हैं ना, ये डिफरेंट और कलर्स की भी हो सकती है। ब्लू कलर जो आ रहा है, जो नियॉन साइंस होते हैं ना, नियॉन गैस जो फिल की हुई होती है, उससे हमारे पास ये ऑरेंज रेड कलर जो है वो नियॉन गैस फिल हुई होती है, इसलिए आता है। और ये ब्लू कलर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ना, ये जो ब्लू कलर आ रहा है, ये किस वजह से आता है, ये किस गैस की वजह से आता है, ये हमारे पास आर्गॉन गैस की वजह से आता है, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टॉन जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास ग्रीन कलर आता है, ठीक है। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस भी यूज कर सकते हैं ट्यूब्स में। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, यहां से हम इसको रिमूव करते हैं ताकि हम यहाँ पर देख सकें कि फिनोमिना क्या हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है ना वो तारों से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो यहां से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हम यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये कोई मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है, ये स्टेट मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते जो फ्रीली हर जगह मूव करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ये इस तरह कंडक्ट करे, लेकिन इनकी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद तो है, लेकिन ये हम देखते हैं कि ये मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड होगी, अंदर जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वोल्टेज भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, अराउंड 10,000, ठीक है, 10,000 वोल्ट्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यहां से फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहां से आउट हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को अंदर प्रोवाइड किया, बस सिर्फ किसके लिए, कि हम उसको गैस है उसको हम प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो और ये यहाँ पे आउट हो जाएगी, और हम देखते हैं कि यहां पर होता क्या है कि अंदर जो गैस है वो क्या करेगी, गैस जो है वो ग्लो करती है, ठीक है। और ये जब गैस ग्लो करेगी तो हमें लाइट नजर आएगी, किस वजह से, क्योंकि गैस गैस ग्लो क्यों करेगी, क्योंकि ये बेसिकली क्या हो चुकी है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, यानी और चीजें भी है, हम बेसिकली बात ही करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट डी एक्साइट होते हैं, तो वो लाइट जो है हम देखते हैं कि किसी सर्टन वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस तरह नियॉन जो है हमने कहा ऑरेंजिश रेड कलर प्रोड्यूस करेगी, और आर्गॉन जो है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्टडी किया कि प्लाज्मा क्या होता है, और इसकी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की कि इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी वजह से ये ग्लो कर रही है, और हमने साथ में ये भी देखा कि प्लाज्मा बेसिकली होती क्या है, इट्स द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और हमने इसकी एप्लीकेशन स्टडी की।